नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मैं बता दूं, मेरे टेबल पे काफी कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जो आपको देख करके ऐसा लगेगा कि इतनी सारी भीड़ क्या इकट्ठी करके आज वीडियो बनाने वाला है। तो एक्चुअली क्या है, मुझे वीडियो इसीलिए बनाना हुआ क्योंकि मैं जो मेरे साथ हुआ, गोप्रो ले आया, गोप्रो को किस स्टैंड पे लगाऊं, क्या करूं, मोबाइल ले आया, मोबाइल कहां रखूं, किस तरह से उसको हैंगिंग करवाऊं, वो प्रॉब्लम, गोप्रो को कैसे क्या कहां पर लगाऊं, मैं कार के बोर्ड पर कैसे लगाऊं, कहां पर उसे कहां स्ट्रेच करूं, वो सारी चीजें प्रॉब्लम में आई। साथ में ही मैंने सोचा कि कुछ ऐसा स्टैंड लिया जाए जो मल्टी पर्पस का काम करे। तो फाइनली मैं कल उदयपुर गया और उदयपुर जा करके मैं लेकर के आया गोरिल्ला पॉट। गोरिल्ला पॉट का नाम आपने सुन ही रखा होगा, फिर भी मैं आज उसकी अनबॉक्सिंग करके बता देता हूँ। ये गोरिल्ला पॉट, एक गोरिल्ला पॉट आता है इस तरीके का, आपने हमेशा वीडियोस में देखे होंगे इस तरीके का, पर मैं थोड़ा सा डिफरेंट गोरिल्ला पॉट लेके आया हूँ जो कि मेरा कैम हैंगिंग कर सकता हूँ, गोप्रो को भी हैंगिंग कर सकता हूँ, साथ में अपना मोबाइल को भी हैंगिंग कर सकता हूँ, यानी मल्टी है, पूरी तरह से मल्टी। तो आज इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, खोल के बताता हूँ ये गोरिल्ला पॉट क्या है। इस तरीके से खोल रहा हूँ इसको। सबसे पहले बता दूं यहाँ पर कवर के आगे क्या लिखा हुआ है। एक कैमरॉन कंपनी का है और ये हमें कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है, जिसमें एक फोटो दे रखा है DSLR का, और DSLR के बाद यहाँ पर प्राइस और उसका चार्ज दे रखा है, और इंग्लिश में लिखा हुआ है कि आपका फ्लेक्सिबल वायर के साथ लगा हुआ है। इस तरीके का नहीं होकर के ये पूरा फ्लेक्सिबल वायर है जो 3 किलो वजन को पूरी तरह से रख सकता है। तो चलिए उसको खोल करके बताता हूँ मैं आपको कैसा रखता है। तो कुछ इस तरह ये गोरिल्ला पॉट मेरे हाथ में है, बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही सेक्सी सा है। वो इसलिए सेक्सी सा है कि इसका जो रबड़ के अंदर जो स्प्रिंग दे रखी है, वो कहीं भी मूव कीजिए, आप कैसे भी मूव कीजिए, जिस तरीके से मैं इसको घुमा करके कह रहा हूं वो मूव कर सकते हैं। और इसके ऊपर का जो स्टैंड, जो नॉक है जहां पर आप ये सारी चीजें लगाएंगे, वो भी बहुत परफेक्ट है। यहां से आप इसे ढीला करेंगे तो ये बिल्कुल मूव हो जाएगा, ढीला करते में आपको ये मूव नजर आ जाएगा, ये मूव हो जाएगा। इसलिए ये आप पूरी तरह से, आपका जो भी स्टैंड पे लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, आपका मोबाइल लगा हुआ है, आपका गोप्रो लगा हुआ है, तो वो मूव करेगा। इसके लिए फिर से हमें बोल्ट को टाइट करना होगा और टाइट करने के बाद ये पूरी तरह से टाइट हो जाएगा। अगर आपको हल्का सा अगर स्टैंड से मोबाइल या फिर कैमरा घुमाना है तो एक और सिस्टम है, हल्का सा इसको ये घुमा दीजिएगा, ये हल्का सा इस तरीके से घूमता है, तो ये भी बेनिफिट आपको इसके साथ है। प्लस इसका बेनिफिट क्या है कि ये ज्यादा ड्यूरेबल और ज्यादा अच्छा है। आप चाहे ऐसा उसको मुड़ा सकते हैं, चाहे ऐसा उसे आकृति दे करके रख सकते हैं, जैसे मुझे पसंद आया कि मुझे ऐसे रखना है तो हमने ऐसे रख लिया, मुझे पसंद आया नहीं मुझे इस तरीके से और इस तरीके से रखना है तो मैंने रख लिया। मुझे अगर लगा कि मैं कहीं ऐसी जगह जंगल में कहीं है, कुछ टंगाने का, हैंगिंग करने का कुछ भी साधन नहीं है, तो मैंने इसको ये प्रयास किया तो ये हैंगिंग हो गया। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना फायदेमंद है। तो आपको ये जरूर खरीदना चाहिए। और महज मैं इसको बता दूं मैं आपको कि इतना दूर जाने के बाद मैं लेकर गया इसको, कारण यही था कि मेरी काफी वीडियो बनाने की सहूलियत इसने पूरी कर दी। बात आती है इसको माउंट करने के लिए आपको इसके आगे कोई माउंट नहीं दे रखा होगा। अगर आपको DSLR माउंट करना है तो DSLR का क्लिप चाहिएगा। अगर आपको कैमरा, आपको अगर बाय द वे कोई कैमरा छोटा वो माउंट करना है तो आपको उसका माउंट चाहिएगा। आपको अगर मोबाइल माउंट करना है तो मोबाइल का माउंट चाहिएगा। तो ये सारी चीजें माउंट यहां पर लग जाएगी जो स्क्रू दे रखा है, और उस माउंट से आप इसको आराम से इस तरीके से शूट कर सकते हैं। अब ये कैसे लगेगा, जैसे मुझे माउंट लगाना है तो मैं एक माउंट खरीद करके लेके आया हूँ। माउंट आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा माउंट है, और ये पता नहीं कौन सी भाषा में लिख रखा है जो मैं आपको न तो बता सकता और न पढ़ के सुना सकता हूँ, क्योंकि यार अगर कुछ गलत बोल दूंगा तो सब ऊपर वाला भी जानता है, इसीलिए मैं नहीं बोल सकता। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको खोल करके ही बता दूं। तो ये माउंट मुझे पड़ा, ये माउंट
कि क्या खासियत है। ये माउंट स्ट्रेच नहीं होता, इस माउंट को यहाँ पर एक बोल्ट दे रखा है, उससे आप ढीला कीजिए और ढीला करने के बाद मैं आपको मोबाइल का कैमरा लगा के बताता हूँ, मोबाइल खुद सेट करके बताता हूँ ये किस तरीके से काम करेगा। सबसे पहले यहाँ पर ये क्लिप दे रखा है, उस क्लिप से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। बड़ी इत्मीनान से ये काम करना है, ऐसा नहीं कि ये जल्दबाजी का काम है, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सकता है कि ज्यादा प्रेशर से ये ब्रेक हो जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। अब ये पूरी तरह से तैयार है माउंट, यहाँ पर मैंने अपना मोबाइल लगाया और इसको थोड़ा सा मैंने सिस्टम से इसको अंदर फिट किया। अब इसका क्या खासियत है, क्या इंपॉर्टेंस है इस माउंट की, मैंने को ये थोड़ा सा महंगा पड़ा माउंट, पर क्या खासियत है, अब इसको स्टैंड को कैसा भी घुमाओ ये हिल जाएगा, पर आपका मोबाइल बिल्कुल नहीं गिरेगा, क्योंकि यहां से स्प्रिंग से ये पूरी तरह से बोल्ट से टाइट है। तो आप सोच सकते हैं कितना प्यारा और कितना अच्छा हाथ में लगेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो ये खरीदना चाहिए। अब दूसरे स्टैंड की तरफ चलते हैं जो कि गोरिल्ला पोर्ट नाम से है। ये देखिए गोरिल्ला पोर्ट, गोरिल्ला पोर्ट कैसे भी घुमा सकते हैं आप, पर इसको 30-60 एंगल में, अगर आपने इसको अलग डायरेक्शन में घुमाया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पर मुझे तो क्या करना है, अपनी कार में इसको माउंट करवाना है। तो ये गोरिल्ला पोर्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि वैक्यूम से, ये जिस तरीके से मैं अभी बता दूं आपको, ये रखा और एयर प्रेशर से ये फिक्स हो गया। कार के डैशबोर्ड, ग्लास पर, आगे उसकी बॉडी पर, जमीन पर आराम से उसे साफ करके आप लगा सकते हो। अभी मैंने इसको प्लाई के टेबल पे लगाया और कितना अच्छा परफेक्ट इसका ग्रिपिंग है। तो ये दो तीन चीजें हैं आपको देखनी चाहिए और इसको समझनी चाहिए। अब मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि मेरा जो ये माउंट है वो लग तो जाता था, पर मैं पूरी तरह से इसे ग्रिपिंग नहीं दे पा रहा था, तो इसीलिए ही मैंने गोप्रो का ये माउंट खरीदना चाहा, क्योंकि मैं अच्छी तरह से वीडियो बना सकूं, अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकूं। तो इस तरीके से मैं इस गोप्रो को अंदर फिट करता हूं, और फिट करने के बाद मैं इसको इस पर माउंट कर लेता हूं। अब माउंट आप जानते ही हैं, जिसके पास गोप्रो होगा वो अच्छी तरीके से माउंट कर ही लेगा, और थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये हो गया आपका माउंट, अब मैं कैसे भी माउंट कर सकता हूं, ये हो गया तैयार। आप उसको कैसे भी कर सकते हैं, इस तरफ करें, इस तरफ करें, टाइम लैप्स लें, कैसे भी करें, ग्लास पे चिपकाएं। तो ये जो स्टैंड है वो जरूरत पड़ती है इसकी, अगर आपके पास गोप्रो हो, अगर आपके पास अच्छा मोबाइल हो, अगर आपके पास अच्छा माउंट हो, तो ये आपके हर वीडियो में काम आएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो यार लाइक सब्सक्राइब और बहुत ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए। तब तक के अलविदा।